हम सभी जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम सभी लोग अपनी गाड़ी की, अपनी कार की रेगुलर सर्विसिंग और रिपेयरिंग कराते रहते हैं। क्या हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं कि हम जनरली स्वस्थ रहें, हम बीमार ही ना पड़े? तो बिल्कुल है। प्रस्तुत वीडियो में चर्चा होगी ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में कि जिनको जब आप हफ्ते में एक बार भी यदि स्टिमुलेट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके शरीर रूपी मोटर की भी सर्विसिंग हो जाएगी, रिपेयरिंग हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके अपनी डॉक्टर डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय, संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, आज मैं लेकर आई हूं ऐसे पांच महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिनको यदि आप रेगुलरली हफ्ते में एक बार भी स्टिमुलेट कर लेंगे तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आप अपने को ज्यादा स्वस्थ और तरोताजा महसूस करेंगे। आइए जानते हैं उन पॉइंट्स के बारे में। जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है LI4 का। अब इसकी लोकेशन देखें, आएंगे यिन साइड नहीं यांग साइड, यानी पीछे की तरफ, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर में अपर जॉइंट, और देखिए जॉइंट, जॉइंट से स्लाइटली नीचे की तरफ, नेल की तरफ है, टुवर्ड्स थंब ये पॉइंट है। ये पॉइंट्स बाइलेटरल है यानी दोनों ही हाथों में। इस पॉइंट का नाम है LI4। क्या करेगा ये वाइटिलिटी का पॉइंट है, वाइटल पॉइंट है, वाइटिलिटी को बढ़ाएगा। इसके अलावा ये एनाल्गेसिक और एनेस्थेटिक पॉइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रेटेस्ट एलिमिनेटर है यानी कि विष द्रव्यों को, टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल देता है, बॉडी और माइंड की सफाई कर देता है, वात रोगों को दूर कर देता है। अब कैसे करना है इसका स्टिमुलेशन, इसके लिए हमें लेना होगा टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट और दूसरा पेपर टेप। ये जो टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट है ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं, एक तरफ से व्हाइट और दूसरी तरफ से ये येलो होते हैं। पेपर टेप में लिया, अब देखिए जो स्किन को टच करेगा वो इसका येलो वाला पार्ट होगा और जो बाहर से दिखाई देगा वो व्हाइट वाला, और जो भी अपने पॉइंट बताया LI4 इसी के ऊपर आपको इस पॉइंट को लगा लेना है। दोनों ही तरफ ब्योल मैग्नेट को लगाना है, फिर देखिएगा कि कितनी तेजी से आपकी वाइटिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। बस एक बात का ध्यान देना है, LI4 डू नॉट यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जो है LI11। ये भी हमारा इंडेक्स फिंगर में है, यांग साइड है, इंडेक्स फिंगर, मिडल जॉइंट, बिल्कुल किनारे, टुवर्ड्स थंब ये पॉइंट है। ये पॉइंट्स भी बाइलेटरल है यानी दोनों ही हाथों में। क्या करेगा ये पॉइंट, ये होम्योस्टेटिक पॉइंट है। ये शरीर के ताप, चाप, पसीना, यूरिन, स्टूल, यहाँ तक कि जो आंतरिक वातावरण है उसको नियंत्रित करता है, ब्रेन की कंजेशन को दूर करता है, निगेटिव थॉट्स को निकाल बाहर करता है। तो इसको भी आपको टोन करना है, उसी तरीके से लेना होगा टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट। स्किन को जो टच करेगा वो येलो वाला पार्ट इसका, बाहर से व्हाइट दिखेगा, और लगाकर रख लेंगे दोनों ही हाथों में LI11। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है स्टमक 36। ये भी यांग साइड में है, मिडिल फिंगर में मिडिल जॉइंट, और जॉइंट से स्लाइटली नीचे की तरफ टुवर्ड्स थंब ये पॉइंट है। ये पॉइंट भी बाइलेटरल है यानी दोनों ही हाथों में। क्या करेगा ये पॉइंट, ये झूठे आवेगों, आतुरता, व्याकुलता को शांत करता है, आपके शरीर को ताकत देता है। ये भी होम्योस्टेटिक पॉइंट है। ये जितने भी पेट के प्रॉब्लम्स हैं उन सब का डिस्टल पॉइंट है यानी दूर से रह के सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा ये कंट्रावेक्शन को यानी कि मार्गोल्लंघन को ठीक करता है, जॉइंटस के उपचार का बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको एथलीट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली जो चाइना में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है जिसमें जिक्र किया है इस पॉइंट के बारे में कि वहां के लोग इस पॉइंट पे निडल लगाकर स्टिमुलेट करते हैं ताकि उनका स्टैमिना और स्पीड बढ़ जाए। तो
ये स्टेमिना और स्पीड के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको भी करना होगा आपको टोन, टोन के लिए जो स्किन को टच करेगा टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट का वो येलो कलर होगा, बाहर से व्हाइट दिखाई देगा। जो पॉइंट बताया स्टमक 36 जो कि बाइलेटरल है दोनों ही हाथों में, यहाँ पर डुअल मैग्नेट को लगाना है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की जिसका नाम है SP6। SP6 पैरों की तीन मेरिडियंस कौन कौन सी, लिवर, किडनी और स्प्लीन, इन तीनों का जंक्शन पॉइंट है, यानी तीनों का संगम होता है, मर्ज होती हैं तीनों मेरिडियंस उस पॉइंट पर और अपनी अपनी एनर्जीज एक्सचेंज करती हैं। आइए देखते हैं उस पॉइंट क्यों। ये भी मिडिल फिंगर में है लेकिन है यिन साइड यानी कि आगे की तरफ। मिडिल फिंगर, अपर जॉइंट, यदि बिल्कुल लाइन खींचे तो देखिए जॉइंट से स्लाइटली नीचे की तरफ है, बाइलेटरल है दोनों ही हाथों में। ये जितने भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनके उपचार का ये स्पेसिफिक पॉइंट है। इसके अलावा ऑल फीमेल डिसऑर्डर्स उनके उपचार का सर्वोत्तम बिंदु है। क्या करना है, यहाँ पर भी हम लेंगे टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट और करेंगे इस पॉइंट को टोन, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बाकी और पॉइंट्स को टोन किया है दोनों ही हाथों में। अब बात करते हैं अपने पांचवे और अंतिम पॉइंट की जिसका नाम है लीवर 3। इसकी लोकेशन पहले देख लेते हैं, ये भी इनसाइड है यानी कि आगे की तरफ, मिडिल फिंगर, अपर जॉइंट और देखिए जॉइंट्स में ऊपर की तरफ टुवर्ड्स थंब ये पॉइंट है, ये पॉइंट बाइलेटरल है यानी दोनों ही हाथों में। क्या करेगा ये पॉइंट, जब भी हम एल्यूमिनियम के बर्तनों में या एल्यूमिनियम की वर्क लगी मिठाइयां ज्यादा खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बाइल डक्ट है वो ब्लॉक्ड हो जाती है। तो ये ब्लॉक्ड बाइल डक्ट को ओपन करता है, हमारे शरीर में पित्त का संतुलन करता है, हमारे लीवर को ताकत देता है। जितना भी एलर्जीज ऑफ लीवर है या लीवर सिरोसिस है उसके उपचार का ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ऑल आई डिसऑर्डर्स का डिस्टल पॉइंट है यानी दूर से रहकर आंखों की सारी बीमारियों को ये कंट्रोल करता है। एक्सेस फिल्यूट, बॉडी फिल्यूट्स की अनावश्यक गर्मी को ये शांत करता है। पोलियो जनित लकवे के उपचार का ये स्पेसिफिक पॉइंट है। भोजन में खाए विष द्रव्यों जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स, इसके अलावा दैनिक जीवन में जो हम प्रयोग कर रहे हैं केमिकल्स कॉस्मेटिक्स के जरिए, तो उनसे जो भी रोग हुआ है उनको ये दूर भार कर देता है। दैनिक जीवन में उपयोग करने वाले कॉस्मेटिक्स जिसमें कि केमिकल्स भरे होते हैं, हेयर डाई है, ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, लोशंस हैं, उन सब में जो केमिकल्स की वजह से जो रोग आ जाते हैं उन रोग को भी दूर करने में लीवर 3 का बहुत अच्छा रोल है। जब आप स्टिमुलेट करेंगे लीवर 3 को तो देखिएगा कि जितने भी टॉक्सिन्स हैं जमा हो गया था, पहले भी एक वीडियो बन चुकी है डिटॉक्सिफिकेशन की जिसमें कि जिक्र है लीवर 3 का, तो बिल्कुल ये आपके शरीर का डिटॉक्सिफाई कर देगा। इसको भी टोन करना है, जो स्किन को टच करेगा वो इसका येलो कलर होगा, जो बाहर से दिखाई देगा वो व्हाइट वाला, और लीवर 3 पर ऐसे ही टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट को आपको लगा देना है दोनों ही हाथों में, ये उपचार करना है। तो यानी टोटल हो गए 5 पॉइंट्स, टोटल दोनों हाथों में हो गए 10 पॉइंट्स। जब आप स्टिमुलेट करेंगे इन 10 पॉइंट्स को हफ्ते में एक बार तो देखिएगा कि धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुधरेगा, डाइजेशन आपका ठीक हो जाएगा, आप अपने को ज्यादा स्वस्थ और तरोताजा महसूस करेंगे। तो हफ्ते में एक बार आप जरूर करिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप नीचे मुझे कॉमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मुझे इंतजार रहता है आपके कॉमेंट्स का। ऐसी ही वीडियो आपको और मिलती रहे तो जिन किन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले समय में जब भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आपके भी मन में कोई जिज्ञासा है, आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक पर भी वीडियो बने तो भी आप हमें कॉमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी और जरूर वीडियो बना दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में किसी और नई बात के साथ, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार।